बात का करो सफाई और मैं सपना करूंगा आप देख रहे हो बहुजन हलचल। आपने जैसे को तैसा वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी, यदि कोई तुम्हें नीचा दिखावे तो तुम उसको नीचा दिखा दो, उसका सारा भ्रम दूर हो जाएगा और उसको अपने किए का एहसास जरूर होगा। उसी कड़ी में उत्तराखंड में चंपावत जिले के सूखी ढांग इंटर कॉलेज में भोजन पकाने को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले 80 वर्ग की भोजन माता के हाथों ने बना खाना सवनों के बच्चों ने बंद कर दिया था, अब इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया। अब सवर्ण भोजन माता के बनाए भोजन का 80 वर्ग के छात्र छात्राओं ने बहिष्कार शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब 80 वर्ग की भोजन माता के हाथों को भोजन सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ने नहीं खा सकते तो वह भी सवर्ण भोजन माता के हाथों का बना भोजन नहीं खाएंगे। प्रधानाचार्य प्रेम सिंह ने खंड शिक्षा अधिकार को लिखा पत्र में कहा, शुक्रवार को राज्य के इंटर कॉलेज सूखी ढांग में कक्षा 6 से 8वीं तक कुल 58 बच्चे पहुंचे। इसी बीच जब विद्यालय प्रबंधन ने सभी बच्चों को MDM भोजन के लिए बुलाया तो 80 वर्ग के बच्चों ने सवर्ण भोजन माता के हाथों बने भोजन को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चों को शिक्षकों ने समझाने की कोशिश की मगर अपनी बात पर अड़े रहे और खाने को बहिष्कार किया। प्रधानाचार्य के मुताबिक सभी 80 वर्ग के बच्चों ने सवर्ण भोजन व माता के हाथों से बने खाने का विरोध किया। उन्होंने घर से टिफिन लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि 23 बच्चों ने जो कि 80 वर्ग के हैं उन्हें शुक्रवार को स्कूल में MDM का खाना खाने से साफ मना कर दिया है। इधर 2 दिन पूर्व ही CORC प्रोहित में जांच के दौरान नियुक्त हुई 80 वर्ग की भोजन माता सुनीता देवी को हटा दिया था। इधर अब 80 वर्ग के बच्चों के भोजन बहिष्कार के बाद विवाद फिर टूल पकड़ गया। आपको बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन परोसने वाली दलित समुदाय की महिला उसकी नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि ऊंची जाति के छात्रों ने उसके द्वारा पकाया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया था। इस महीने की शुरुआत में भोजन माता के रूप में नियुक्त के एक दिन बाद छात्रों ने महिला की जाति के कारण उनके द्वारा बनाया गया खाना खाना बंद कर दिया और घर से अपना खाना टिफिन बॉक्स में लाना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि स्कूल के 66 छात्रों में से 40 ने दलित समुदाय की महिला द्वारा तैयार खाना खाने से मना कर दिया था। छात्रों के अभिभावकों ने भी भोजन माता के रूप में दलित समुदाय की महिला की नियुक्ति पर आपत्ति जताई क्योंकि उच्च जाति की एक महिला ने भी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था। चंपावत के मुख्य शिक्षा अधिकारी RC पुरोहित ने कहा कि महिला की नियुक्ति रद्द कर दी गई क्योंकि यह पाया गया कि नियुक्ति में मानदंडों का पालन नहीं किया गया था। जातिवाद करने वाले ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसे ही करना चाहिए और जातिवाद बिल्कुल खत्म करना चाहिए। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय भीम जय भारत। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ।